हामिद साहब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, हसन निसार साहब बढ़ जाना फिर। जी ओके ओके जी दादा, लेट हसन साहब आंसर। जी दादा साहब, इमरान ये जो जी पर्सनल ये जो पर्सनल अटैक्स इन दोस्त ने किए हैं, इसका तो हम कोई जवाब नहीं देंगे। ओनली विद कुरान की सिर्फ एक आयत कोट करेंगे, वाइज अमर्रु बिल्लाह मर्रु करामा, व्हेन यू कम अक्रॉस नॉनसेंस इग्नोर इट विद डिग्निटी एंड सो बी इग्नोर हिम। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, वी बीन इग्नोरिंग योर नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने आइडियोलॉजिकल डिबेट शुरू किया हामिद साहब, वी बीन इग्नोरिंग योर नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स अबाउट टाइम समबडी कम्स ऑन टेलीविजन एंड सेज इनफ ऑफ इट। कामरान आपने एक आइडियोलॉजी डिबेट शुरू की कि पाकिस्तान यहां पर जिस हाल में पहुंचा है। जी 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 जी, आपने जो आइडियोलॉजिकल डिबेट शुरू की थी कि पाकिस्तान किस हाल में यहां पहुंचा है, क्या ये मजहब की बुनियाद पर है, तो इस बात को अच्छी तरह फिर हम बिल्कुल डिसाइसिवली फाइनल कर दें इस बात को कि आप इकबाल को रेफरेंस प्वाइंट बनाइए। पाकिस्तान मूवमेंट का थिंकर आइडियोलॉग इकबाल है। आपके किसी इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स में, किसी एकेडमिक डिस्कोर्स में इकबाल का जिक्र नहीं किया जाता, और इकबाल को डिलिबरेटली जानबूझकर निकाला जा रहा है। जब इकबाल जैसे थिंकर और फिलोसोफर को आप आर्गुमेंट और डिबेट से निकाल देंगे, फिर वैसी तारीखी होगी जो आज फैली हुई है। सूडो इंटेलेक्चुअल, दो दो टके के इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर बन के सामने आएंगे। जी हसन साहब, कामरान बात सुने, मैं मुझे पहली दफा ये शुबा हुआ कि आप जानबूझ के कॉमेडी आपने ऐड कर दी है। नहीं सर, नहीं नहीं, वेरी सीरियस, बड़ा सीरियस प्रोग्राम में मेरी ये शरारत जो है ना आपकी। मैं बहरहाल ये जो मेरे भाई ने, बहुत काबिल एहतराम भाई ने जो जैद अहमद के बारे में कहा, मैं वो बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ही इज एन इमोशनल मुसलमान, और जो मज़ाहिर है एक बंदा तवादुन खो बैठता है जो हालात इस तरह के दिखाई दें। एक अच्छी शायरी है, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, किधर लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। ममोला खालिक ने, खालिक कायनात ने शाहबाज को और तरीके से डिजाइन किया है, ममोला इसलिए डिजाइन नहीं किया था। ये शेरी मुबालगा है, मतलब शायर जितना भी बड़ा हो, इस्लाम में तो वैसे ही शायरी की गुंजाइश नहीं है, तो उसको इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और एक और बात कि ये चूंकि इकबाल को नहीं समझा गया, तो इकबाल से बहुत पहले जिल्लत का कारोबार शुरू है। हम वो बदनसीब लोग हैं, कन्फ्यूज लोग, कि एक तरफ अबू ज़र गफारी की दरवेशी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, दूसरी तरफ हारून रशीद के दरबार की शान और शौकत के जिक्र करते हैं जो रेप्लिका था इरानियंस के दरबारों का। जी वो तो खिलाफत तो कब की खत्म हो गई भाई, ये यूजर्पर्स थे, ये हुक्मरान थे, ये मलूकियत थी, ये इनको अरूज कहते हुए भी शर्म नहीं आती। जहीरुद्दीन बाबर उसके चचाओं ने मारा, भागा यहां आ गया, पहली गर्दन उतारी इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर यहां से गया, गर्दन उतारी उसकी बायजीद यलदरम की। सारी तारीख भरी पड़ी है। मूसा बिन नुसैर, मोहम्मद बिन कासिम और ये जितने ये लोग हैं, वो कभी इनके अंजाम तो देख लो, जिस तारीख पे फख्र कर रहे हैं। देखें ये झूठ है, इस्लामी तारीख नहीं, ये मुसलमान हुक्मरान खानदानों की तारीख है। अब आज अब्दाली लॉन्च फरमा रहे हैं, ये अब्दाली का क्या ताल्लुक है? ओ हमारा सूफी शायर कहता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहेदा। वो इस तरह अहमद शाह अब्दाली पर थूकता है, हमारा एक इतना अजीम सूफी शायर, कि जो तुमने खा लिया, जो पहन लिया, वो तो तुम्हारा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट के ले जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा। अपने मुल्क के अंदर आधा गवाह बैठे हो, बलोचिस्तान के आगे क्वेश्चन मार्क है, कराची बेकरार है, दर्दे जे में मुब्तला है, पता नहीं वहां से क्या निकलना है, बातें पता नहीं कहां की कर रहे हैं ये। राइट जैद हामिद साहब, मतलब ऑल दिस इज एब्सोल्युटली जैद हामिद साहब, हसन निसार साहब की बात डे ड्रीमिंग है, ये ड्रीम सेलिंग है बस। जैद हामिद साहब आपके साथ कोई तो वेस्ट ने ये किया, वेस्ट ने वो किया, एटम बम बनाया, बंदे मार दिए। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर एटम बम इस्तेमाल ना होता, ज्यादा अमवात होती, वो जंग रुकने का नाम ना लेती। चाइनीज जापानीज कमांडर्स ने कामरान इसमें उनके एम्परर को, यूरोप का मिसाल है कि जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड आपस में वॉर में रहे और आज ईयू बना के बैठे हुए हैं। यार ये बसारत हमारे पास नहीं है, आप जो बातें कर रहे हैं वो डे ड्रीमिंग है, क्योंकि ये रियलिटीज को मैच नहीं करती सर। आप हमने जंगजू टेररिस्ट पैदा किए इस मुल्क में, हमारा नाम जब छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में दुनिया में, वो इसलिए नहीं छपता कि पाकिस्तान में कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसी ने विन कर लिया, केमिस्ट्री का कोई नया कुलिया निकाल दिया हजूर, इसलिए छपता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में शायद पाकिस्तानी पकड़े गए बॉम्बिंग के अंदर, 7/7 के बॉम्ब में पकड़े गए ट्यूब उड़ाते हुए लंदन की,
तो जैद हामिद साहब आप एग्री तो करें ना, जो बात चल रही है हसन इसहाक अली साहब कह रहे हैं कि ये ख्वाब है जो आप बेच रहे हैं इकबाल के नाम पे, असल हकीकत ये कि वी आर नथिंग, वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड एनीथिंग, वी हैव नॉट डेवलप्ड एनीथिंग एंड वी हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमैनिटी। जी जैद हामिद साहब, जब इंसान खुद अपनी जात में शिकस्त खुर्दा होता है तो उसको हर तरफ शिकस्त नजर आती है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर हम इस कदर जलील रुस्वा कौम होते तो आज पूरी दुनिया हमें खत्म करने के लिए हमें घेरा डाल के हमें खत्म क्यों करना चाहती? आज अल्लाह ने अगर एटमी ताकत आपको बनाया तो पूरी मुसलमान दुनिया क्यों नहीं वो ताज सर पे हासिल कर सकी जो अल्लाह ने आपके सर पर पहना दिया है? और किस तरह ये चोरी चुकारी करके नहीं बना ये ताज, ये अल्लाह के फजल से हमारे हजारों लाखों नौजवानों ने पूरी दुनिया में फैलकर 30 साल की मेहनत करके ये उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी उम्मत का सर फखर से बुलंद है कि हमारे पास अल्लाह ने भी ये हथियार दिया है। पूरा दुश्मन खौफजदा क्यों है? हमने इसराइल के और इंडिया के हवाई जहाज मार कर इकॉनमी हमारी बैठ गई, जैद हामिद साहब क्या बातें कर रहे हैं, इकॉनमी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीडीपी हमारा 3-4% है, इन्फ्लेशन 22% है। ये आदमी आके अपना कह रहे हैं कि हमने एटम बम बना लिया, हमने एटम बम बलूचिस्तान में। अली मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपकी बात पूरी लूंगा, पहले जैद हामिद साहब कंप्लीट कर। जी जैद हामिद साहब, कामरान हमारा एम्फोसिस इस बात में है कि इस पाकिस्तान में आज भी जो कानून नाफिज है वो 1860 का बना हुआ है। आपने कब पाकिस्तान में नया कानून बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक जिसमें लिखा हुआ था कि सॉवरेनिटी विल बिलोंग टू अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को किसने रोका है कि पिछले 10 साल में दहशतगर्दों को सजा देने के लिए एक दहशतगर्द को सजा नहीं दी इन्होंने? क्या ये फौज ने रोका हुआ है इन्हें? हामिद साहब, वो जो वेस्ट है वो तो फ्लरिश कर रहा है सर इस इकॉनमी के साथ, हम क्यों पीछे बैठ गए फिर? हम कहां कर रहा है जी कामरान, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े मुल्क कोलैप्स कर चुके हैं इकोनॉमिकली, यूरोपियन यूनियन कोलैप्स कर रहा है, किधर फ्लरिश कर रहा है वो? अली साहब फिर हम तो बहुत सुपीरियर है, लेकिन मसला यह कि हमने इस्लामी मॉडल फॉलो नहीं किया, अगर जैद हामिद साहब की बात को सीरियसली लिया जाए। जी अली साहब, सर इनकी बातों को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, हम आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो वो उसकी बात है, अगर हम मुसलमान हैं और ये पूरा मुल्क मुसलमानों रन कर रहे हैं तो आज मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी पावर होते, कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता साहब। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। 71 में अगर ये 71 में अगर टू नेशन थ्योरी की बात हुई तो वो तो गर्क हो गई कि आपके जो मेजोरिटी ऑफ मुसलमान थे उन्होंने तो आपसे डाइवोर्स ले ली, तो आप किस मुसलमान और इस्लाम के नाम की बात करते हैं? इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, हमें इसे ज्वाइन किया इस अहम तरीन इशू के ऊपर जो हम जिसे आज डिबेट कर रहे हैं फौजिया सईद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने। जैद हामिद साहब जो है वो ये कह रहे थे अपने इकोनॉमिक निजाम और इस्लामी शरिया को इनकॉर्पोरेट करते, सॉवरेनिटी को सही तौर पर अल्लाह की मानते तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते थे। वुड यू एग्री विद दैट कि हमारे ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है, सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मजाहब आए, मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ, और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया, हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है, ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट जैद हामिद साहब, हमने आपके पास भी आऊंगा लेकिन पहले हसन इसहाक साहब का क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन इसहाक साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं,
इस्लामी शरिया का निजाम जियाउल हक साहब हमें दे गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ, तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है नंबर वन। अच्छा, जो बात जायद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है, खिलाफ राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक सदियां बीत गई, इस्लाम एक्सप्लॉयट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो उसके बाद। ये हजार साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं, आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद, ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे, अपने जिंदगी के 50 साल दे दो वहां, ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पर सवार होगा जो खून चूस रहा होगा, ताल रफीक करके वो बात करते हैं। बात तो नहीं किस दुनिया में रहे कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो, ये फ्रांस में जाके अमेरिका में जाके अपनी सारी अदालतें देते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग चेंज करो, अपने कानून भी हमारे मुताबिक करो क्योंकि हम आके तुम्हारे यहाँ बसे हैं। तो बात यह है कि आप प्रैग्मेटिक हो, रियलिटी है, आंखें खोलें, अपनी बुराइयां जो है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। इंतहा पसंदी को मैं थोड़ा सा पता नहीं आपने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं खासतौर पर टेररिज्म का जो लफ्ज आता है मैं एक जरा सी क्लैरिटी देना चाहती हूं जो मेरे नजरिए में है कि हम लोग आमतौर पर बम फटने को या खुदकुश हमलों को टेररिज्म का नाम देते हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि